So today we are going to cover objectives of psychodiagnostics. So जो screen पे दिया हुआ है ये सारे topics really covering today one by one. So starting with this. अब एक चीज जो है difference हमको समझना होगा कि psychiatric consultation और साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट में फ़र्क है. ठीक है, साइकेट्रिक कंसल्टेशन में तो प्लेन एंड सिंपल क्लिनिकल इंटरव्यू जो लेते हैं वो होगा, जो इंडिविजुअल के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइकेट्रिक रिकॉर्ड्स, वो सब देखे जाएंगे. पहले क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या इश्यूज रहे हैं वो रहेगा. फिर उसके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया जाएगा, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई भी कर सकता है. सो ये जो है साइकेट्रिक कंसल्टेशन में ये सब आता है. अगर कोई व्यक्ति जो है इन कॉन्टैक्ट विद मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर आएगा तो ये सब तो होगा ही होगा, क्लिनिकल इंटरव्यू, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीज़ें तो होंगी होंगी एज एंड व्हेन ए पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर ड्यू टू सम मेंटल हेल्थ इशू. ठीक है, अब साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है ये स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है. तो जैसे हमने अभी बात की कि साइकेट्रिक कंसल्टेशन में तो कॉमन चीज़ें तीनों हमेशा ही होंगी चाहे कुछ भी इशू हो. साइको डायग्नोस्टिक में जो है हम जो भी डायग्नोसिस करेंगे वो डिपेंड करेगा रेफरल क्वेश्चन पे, और उस रेफरल क्वेश्चन के हिसाब से हम स्पेशलाइज जो है डायग्नोसिस करेंगे जो भी वॉट एवर दैट इट इज. अच्छा, इसमें जो है जो साइको डायग्नोस्टिक है इसमें जो है रिटन, ओरल एंड प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है पेशेंट के मेंटल प्रोसेस और को जानने के लिए, और टू असेस हाउ द पर्सन इज थिंकिंग, उसके इमोशंस क्या हैं, है ना. जैसे हमने वेरियस मेथड पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो सकती हैं, क्वेश्चनर हो सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, ये सब जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइको डायग्नोस्टिक के. ठीक है, फिर जो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो ऑब्जेक्टिव डाटा देता है. जो साइकेट्रिक कंसल्टेशन में जो हमने बात करी थी उसमें जो है सब्जेक्टिविटी काफ़ी है. जैसे रिकॉर्ड्स तो ऑब्जेक्टिव होंगे ऑलरेडी, उसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता जो रिकॉर्ड है, बट जो क्लिनिकल इंटरव्यू है और जो पेशेंट का बिहेवियर है वो सब्जेक्टिव हो सकता है. एक कोई उसको कहेगा कि वो एंग्शियस है, दूसरा कहेगा नहीं, नई सेटिंग में तो एंग्शियस सभी होते हैं, नॉर्मल है. सो उसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है. फिर क्लिनिकल इंटरव्यू भी हर एक का अपना लेने का तरीका होता है, कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं तो वो उसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है. लेकिन जो साइको डायग्नोस्टिक है टेस्टिंग वो ऑब्जेक्टिव होता है, अदर देन द प्रोजेक्टिव टेस्टिंग जो भी है. सो अब इसमें जो है ऑब्वियस बात है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. तो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में जो है ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. वो ऑब्जेक्टिविटी कैसे ज़्यादा है, उसमें जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है उसको हम कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं कि वी यूज़ द रिलायबल स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिनकी रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज़ करते हैं जो कि वैलिडेट हो चुके हों, उनको यूज़ करते हैं. तो उसमें सब्जेक्टिविटी अपने आप हट जाती है. नाउ जो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट को हेल्प करते हैं कि क्या फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड या साइकोथेरापेटिक ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाए, है ना. तो जो साइकेट्रिक कंसल्टेशन में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन साइकेट्रिक कंसल्टेशन में इमीडिएटली जो है कोई मेडिसिन का जो है निकल के आ जाना कि ये मेडिसिन ठीक रहेगी या नहीं रहेगी या ये साइकोथेरेपी ठीक रहेगी या रहेगी, वो गारंटीज हम नहीं कह सकते. लेकिन साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसा कि हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनका पर्पज़ ही यही होता है कि उसकी जो है प्रॉब्लम की जो है जड़ में जाए और हम समझें कि क्या करना ठीक है क्या नहीं है. हम उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस भी तो देखते हैं क्लाइंट की, जैसे कि भाई उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है तो उसको ग्रुप थेरेपी ठीक नहीं सूट करेगी, या उसका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जो है मेंटल डिसऑर्डर है तो वो रिएक्ट कर सकती है, कोई दवाई वो देना ठीक नहीं है. तो इस तरह से
ये हेल्प करता है साइकोडायग्नोसिस। अब जो है रेफरल की हम बात कर, जो हम पहले कर चुके हैं, तो अब जब आता है पेशेंट तो वो एकदम क्लियर कट अपने आप को प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा होता, और कन्फ्यूजिंग सी पिक्चर जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही जो रेफर किया था साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए, कि भाई एक्चुअल इशू क्या है वो पता किया जाए, क्या हुआ था, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये सब के लिए रेफर किया जाता है फॉर साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग। यानी कि जो साइकेट्रिक कंसल्टेशन में कोई आया तो उसको रेफर किया जाएगा साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए, अनलेस कि एकदम क्लियर ना हो कि भाई यही इशू है, टू बी ऑन द सेफर साइड नॉर्मली हमेशा करते हैं टेस्टिंग जो है। फिर अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि किस किस तरह के जो है रेफरल हो सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए या साइकोडायग्नोस्टिक के लिए। तो जैसे कोई सब्सटेंस अब्यूज़ वाला है उसकी हो सकती है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को उसको कर सकते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में कई रीजन्स हो सकते हैं ना, कि भाई हो सकता है उसकी आई साइट वीक हो सकता है उसका जो है कान में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, हो सकता है कि उसकी कोई नर्व में प्रॉब्लम, इसलिए लिख नहीं पा रहा हो, मोटर कंट्रोल नहीं है। सो वो डायग्नोसिस होगा तब पता चलेगा ना कि एक्चुअल इशू क्या है, खाली यही पता है कि इसको पढ़ने में प्रॉब्लम ऐसे नहीं चलेगा। और अगर किसी को मेंटल रिटार्डेशन है या पुअर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है तो भी रेफर करेंगे। मूड डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी होता है, एंग्जाइटी या पैनिक डिसऑर्डर, ट्रॉमा किसी ने एक्सपीरियंस किया है, चिल्ड्रन हु आर एक्टिंग आउट, या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि नॉर्मली साइकोडायग्नोसिस की जाती है। ऐसा नहीं कि इनके अलावा और कुछ नहीं, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नॉर्मली इसमें अधिकतर कवर हो जाते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ इशू होता है। फिर अब साइकोडायग्नोस्टिक की रिपोर्ट की बात करें तो हमने साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर लिया, करने के बाद में जो हर टेस्ट का अपना अपना रिजल्ट आया, तो इंडिविजुअल टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो तो आया है, फिर उसको कंबाइन करके साइकोडायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनती है ओवरऑल व्यू देने के लिए, कि पूरा कंबाइन करने के बाद में हमारे हिसाब से क्या इशू है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ है उसके साथ में ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई एक मेडिसिन कोई ले रहा है उस मेडिसिन के साथ में ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जैसे मान लो किसी को पेंसिलिन से एलर्जी है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये कि इसको भी द पर्सन इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, सो ही और शी शुड नॉट बी गिवन पेनिसिलिन, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुआ है। तो इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये तो एग्जाम्पल मैंने मेडिकल वाला दिया इसी समझाने के लिए। सो जो साइकोडायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो रेफरल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। सारे टेस्ट की रिपोर्ट इंडिविजुअली उसका रिजल्ट लिख देना अलग अलग, वो साइकोडायग्नोस्टिक रिपोर्ट नहीं है। उसको जोड़ के एक ओवरऑल व्यू देख के और फिर एक कॉन्क्रीट फॉर्म में इस तरीके से लिखना कि जो रेफरल क्वेश्चन है वो आंसर हो पाए, दैट इज द की पॉइंट। और जो है जैसा कि मैं बता चुका हूँ रिपोर्ट में ये सब होना चाहिए कि ट्रीटमेंट का क्या रिकमेंडेशन है वो भी हमें बताना है, और सिंथेसाइज का मतलब सबको मिला के एक कंबाइंड व्यू लेना है, चाहे वो क्लिनिकल इंटरव्यू हो या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो या उसकी पर्सनल हिस्ट्री हो, फैमिली की हिस्ट्री हो, कल्चरल हिस्ट्री हो, और जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है सबका मिला के निचोड़ हमको देना होता है उसमें। और जो इन सबको मिला के जो है अगर कोई रीजनेबल या ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशन वो देता है क्लिनिशियन, तो ये जो है इंटरवेंशन की चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगा। अब हम बात आते हैं एप्लीकेशन की, कि ये साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले तो फॉरेंसिक, मतलब ये क्राइम से रिलेटेड जो है जितने होते हैं, जैसे कोई पेशेंट वो है क्रिमिनल है, वो मेंटली रिटार्डेड है या नहीं है, डिल्यूजनल है कि नहीं है, साइकोसिस है कि नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है, व्हाटएवर, तो उसके लिए। दूसरा जैसे हस्बैंड वाइफ में जो है इश्यूज होते हैं, तो चाइल्ड कस्टडी इवेल्यूशन के लिए कि हस्बैंड वाइफ में से कौन कॉम्पिटेंट है, जैसे हो सकता है कि एक उनमें से कॉम्पिटेंट ना हो, कोई ड्रग अब्यूज़र हो या कोई मेंटली रिटार्डेड हो, तो उसको बच्चे की कस्टडी देना ठीक है नहीं है, इस टाइप का इवेल्यूशन हो सकता है।
कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है उसमें भी हो सकता है कि भाई जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड है तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती है, वहाँ पे भी हो सकता है। फिर किसी को जॉब से निकाल दिया गया है फॉर बिकॉज ऑफ सम मेंटल हेल्थ इशू, तो वो टर्मिनेशन राइट है रॉन्ग है वो भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ की वजह से किसी को हरास किया जा रहा है या हरासमेंट की वजह से मेंटल हेल्थ में कोई इफेक्ट आ रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं फॉरेंसिक में आती हैं। अब इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस में क्या है मोस्टली केसेस क्या होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन केसेस के होते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई इंडस्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो उनके वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हुआ, तो उनको कुछ इंजरी या डैमेज हुआ है, वो कैसा भी हो सकता है, तो अब वो इंजरी डैमेज की वजह से जो है वाकई में उसको नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये असेसमेंट कैसे होगा। कि कोई कहता है कि जी मुझे जब से एक्सीडेंट हुआ है मुझे दिखना बंद हो गया है, आंखों से दिखाई नहीं देता, आई स्पेशलिस्ट कहता है कि आंखें एकदम ठीक हैं, तो ये तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ गया। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है या नहीं है तो ये तो कोई साइकेट्रिस्ट ही बताएगा, अगर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है तो कॉम्पनसेशन अलग होगा, और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं है आदमी झूठ बोल रहा है तो फिर जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसे कोई कह रहा है कि मैं गिर गया था जॉब में फिर मेरे कमर के नीचे का पैरालिसिस हो गया है वो काम नहीं करता है तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो जो रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर है या फिजिशियन है वो कह रहा है कि परफेक्टली ऑल राइट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि भाई सोते में तो उसके पैर खूब हिलते हैं, इसका मतलब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है तो एक्चुअल में नहीं है। तो इस तरह से इंश्योरेंस के सेटलमेंट में भी काम आते हैं चीज़ें। फिर एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट भी, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वर्ल्ड वॉर टू में हुई थी। सो अमेरिका में जो है उन्होंने आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो है दो बनाए थे कि भाई हमें एम्प्लॉय करने, आर्मी अल्फा बनाया था दोज हु नो इंग्लिश, पढ़े लिखे जो हैं, और आर्मी बीटा बनाया था उन लोगों के दोज हु आर नॉट लिटरेट और दोज हु आर लिटरेट बट डोंट नो इंग्लिश, उनके लिए आर्मी बीटा बनाया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आज भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में इंक्लूडिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इनमें सब में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो स्पेसिफिक क्वालिटीज जो है इंडिविजुअल में हैं कि नहीं है वो पता करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। फिर स्कूल की सेटिंग में भी होता है। स्कूल की सेटिंग में क्या हो सकता है कि जैसे करियर चॉइसेस बच्चे की हैं तो करियर चॉइसेस के लिए जो है उसका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, आईक्यू क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब हेल्प करता है डिसीजन में। दूसरा स्कूल के बैकग्राउंड में और भी क्या है कि स्पेशल एजुकेशन में भी उसका प्लेसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसे कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है ना, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या डिसलेक्सिक है, तो उसको क्या क्या, किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, ये सब भी साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के परव्यू में आता है। ठीक है, फिर अब बात आती है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो फंक्शन का असेसमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहली जो है मतलब हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहला डायग्नोसिस एंड और इवेल्यूशन ऑफ क्लाइंट्स रीजन फॉर सीकिंग ट्रीटमेंट, तो वो जिस भी कारण से आया पहले तो हम वो पता करेंगे वो कारण वैलिड है कि नहीं है। जैसे कोई कह रहा है कि भाई मुझे जो है एंग्जाइटी बहुत रहती है, तो वाकई में उसे एंग्जाइटी है या नहीं है ये पता करेंगे, है तो किस हद तक की है, किस टाइप की है। फिर हमको एक केस कंसेप्चुलाइजेशन भी करना होगा, मतलब ओवरऑल उसका एक केस बनाना होगा ना कि एंजाइटी है तो ये पॉसिबल रीजंस हैं, ये प्रोबेबल ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस हो सकते हैं, ये इसकी पास हिस्ट्री रेमिशन में है या फर्स्ट टाइम है, ये जो भी है ये सब केस कंसेप्चुलाइजेशन में कि हम इटियोलॉजी क्या है, ये सब इसमें आ जाता है। फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग में जो है जो भी है हमने ऊपर तो बात की है इसके बेसिस पे हम क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी है।
वो भी इसी में आता है। क्लिनिकल सेटिंग में हम क्या क्या करते हैं, बात ये हो रही है तो ये सब हम करते हैं उसके। फिर चौथा है उसके जो है ट्रीटमेंट को जो हमने उसको दिया, थर्ड स्टेप पे जब हमने डिसाइड किया था, तो फिर उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है। तो हमने बात किया था कि पहले की असेसमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इनिशियली ये फर्स्ट स्टेप में आया था, डायग्नोसिस जब कर रहे थे तो बेसलाइन मिल गया। फिर हमने थर्ड स्टेप में जो है ट्रीटमेंट प्लान करके चौथे स्टेप में ट्रीटमेंट दे दिया और फिर जो है उसको मॉनिटर किया कि भाई बेसलाइन से ऊपर गया नीचे गया उतने ही है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, चेंज करना है, ख़त्म करना है, व्हाटएवर दैट इज। फिर जो क्लाइंट का बिहेवियर और उसके कॉग्निशन और उसके सेल्फ अवेयरनेस में चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, कितने आए हैं, ये सब क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मेंटल हेल्थ के। कॉग्निशन में इम्पेयरमेंट होना, सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ अवेयरनेस में आता है सेल्फ मॉनिटरिंग और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, वो खुद अपने आप को कितना कंट्रोल में रख पाता है, ठीक है। फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम इवेल्यूशन और इंडिविजुअल क्लिनिशियन इवेल्यूशन ऑफ एफेक्टिवनेस। लास्ट में हमारे हिसाब से जब हो गया जो भी हम कर सकते थे किया, जितने दिन हमने देना था इंटरवेंशन दिया, अब देखेंगे भी अब क्या है इसका स्थिति है, तो बेस लाइन से कंपेयर करेंगे, बीच में जो असेसमेंट किए थे उनसे कंपेयर करेंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि हाउ वी हैव डन। अब रीजन फॉर साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्यों करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसमें जो है लर्निंग हाउ टू कंडक्ट एन असेसमेंट, प्रैक्टिशनर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई और फॉर व्हाट पर्पस असेसमेंट आर कंडक्टेड, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं रेफरल क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड ऑन रेफरल क्वेश्चन। अब जो मेजर जो है असेसमेंट के जो एम्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमें इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो किस सिस्टम में जिसमें भी रह रहा है, चाहे वो सोशल सिस्टम है या आपका जॉब में जो भी सिस्टम है उसके बारे में पता करना, एनवायरनमेंट उसका कैसा है, या कोई सर्टेन फिनोमिना अगर हुआ है कि रिसेंटली उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई डेथ वगैरह हुई है, वो सब है। तो इन सबको इंडिविजुअली भी पता करना है और इनको कंबाइंड करके भी हमें एक नतीजे में पहुँचना है। असेसमेंट तभी होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है। अब जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या करना है, एक नंबर एक तो क्लासिफिकेशन कि वो क्या किस क्लास की कैटेगरी की, भाई एंजाइटी वाला केस है या साइकोसिस है या मेंटल रिटार्डेशन का केस है या ऑटिज्म का केस है, वट एवर दैट में भी, तो क्लासिफाई करना है। फिर डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब में उसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं जो भी स्पेसिफाई होता है वो स्पेसिफाई करना है, रेमिशन में है, फर्स्ट टाइम है, कोमॉर्बिडिटी है, ये सब जो है डिस्क्राइब में आ गया, और है कंप्रेहेंसिव और कॉम्प्रिहेंशन और इवेल्यूशन ऑफ करंट सर्कमस्टांसेस। तो जब हमारे पास में जब भी वो आया है असेसमेंट के लिए उस टाइम उसकी क्या स्थिति है, असेसमेंट उस टाइम की पोजीशन बता रहा होता है, राइट नाउ व्हेन द वी आर डूइंग द असेसमेंट, राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द पर्सन, we comprehend or evaluate the current circumstances. और जो assessment है वो predictive भी हो सकता है, current के अलावा predictive भी हो सकता है, कि जैसे किसी को कोई neurodegenerative disorder है, for example Huntington's chorea, Lewy body disease है ना, ये Alzheimer's disease है, Parkinson's disease है, ये सब जो है neurocognitive disorders हैं और ये प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है ये विद टाइम खराब ही होते जाएंगे, जो न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता ही जाएगा। थोड़ा सा स्लो किया जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं किया, ना रोका जा सकता है ना रिवर्स किया जा सकता है। तो हमको जो है प्रेडिक्ट करना पड़ेगा भाई कितने टाइम के बाद में ये टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, या कितने टाइम के बाद में जो है इनको इंस्टीट्यूशन में भर्ती करना पड़ जाएगा, या कितने टाइम के बाद में ये जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे, है ना। तो ये सब जो है प्रिडिक्शन में आता है। प्रिडिक्शन हमेशा ख़राब नहीं होता है, अच्छा भी होता है। जैसे कि कोई बच्चा आया तो हमने देखा कि हमेशा मैथमेटिक्स में इसके 95% से ऊपर आए हैं, आईक्यू अच्छी है,
तो हम उसका असेसमेंट कर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस फील्ड में ये जाएगा तो ये बहुत अच्छा करेगा, तो ऐसा भी जो है प्रेडिक्शन हो सकता है। तो जो असेसमेंट जो है कोई एक गोल जो है एटलीस्ट एक गोल तो जो है होना चाहिए कि भाई क्या गोल है, और वो गोल जो है जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। और जो हम वेरियस स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स जो भी अपनाएंगे असेसमेंट की, वो क्वाइट पॉसिबल कि ओवरलैपिंग कर रही हो सकता है कि एक टेक्निक जो है एक से ज़्यादा जो है चीज़ें पता कर रही है, हो सकता है, पॉसिबल है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कहाँ पे ओवरलैपिंग कर रही है, ताकि हम वो एक ही इंफॉर्मेशन जो हमें अलग अलग सोर्सेज से आ रही है या अलग अलग इंफॉर्मेशन एक ही सोर्स से आ रही है ये तो हमको पता रहे। अलग अलग सोर्सेज से सेम इंफॉर्मेशन आ रही तो बहुत रिलायबल है, और एक ही सोर्स से अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही तो वो कन्फ्यूजिंग है, यानी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो दिस ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। पर्पस बेसिकली बात करें तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हम कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को, ठीक है। बाकी मैंने बताया असेसमेंट तो पॉजिटिव भी होता है, जैसे मान लो कोई गिफ्टेड चाइल्ड आया तो वो भी उसका भी तो असेसमेंट किया जाएगा, हमेशा ख़राब नहीं होता। बट क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो हम एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटी हैं, डिजीज़ का प्रेजेंटेशन क्या है, पहले क्या सिम्टम्स है, बाद में क्या है, ये सब जो है उसका ब्रॉड पर्पस है। अब जब हम करने जा रहे हैं साइको डायग्नोस्टिक, तो हमने जो एथिकल प्रिंसिपल्स में पढ़ा था तो वो चीज़ें अब आ जाती हैं। सबसे पहली बात साइंड कंसेंट फॉर्म, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस, इवन इफ इट इज़ नॉट मैंडेटरी, जैसे कोर्ट ने बोला असेसमेंट करना तब भी लेना है, हाँ ठीक है। फिर क्योंकि जैसे कोर्ट केसेस वगैरह में खास तौर से वहाँ पे जो है एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑडियो या वीडियो टेप जो है इंटरव्यू का वो हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे तो अपना वो देंगे फाइंडिंग्स, तो कोर्ट भी तो देखना चाहेगा कि आपने जो क्या ऐसा सुना या क्या ऐसा देखा जिसके बेसिस पे आपका ये व्यू है, ठीक है। या और एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेनी हो तो ली आ सके कि भाई इसी बेसिस पे इनका डिसीजन ये है, आप क्या कहते हो। फिर तीसरा जो है वर्बैटिम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो ऑब्लिक वीडियो टेप। अब ये पॉसिबल है कि जो ऑडियो या वीडियो टेप है वो किसी और लैंग्वेज में हो जो कि कोर्ट समझता ही ना हो, तो उसका ट्रांसक्रिप्ट मतलब इन राइटिंग होना चाहिए जो भी उसमें बातें हुई हैं, वर्बैटिम एग्जैक्टली जैसा है वैसा, ठीक है। फिर जो हमने सारे टेस्ट वगैरह किए उसकी केस रिपोर्ट, ये सब जो है होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं एरियाज टू बी कवर्ड इन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ठीक है। देखो बात हो रही है इंटरव्यू की, सो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर सेक्शन में वो है, सारा कुछ का नहीं है, सारा कुछ अलग 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 हिस्से में आ जाता है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि उसकी जो है प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, ठीक है, हमारे हिसाब से या उसके हिसाब से भी, दोनों तरह से। और सेकंड स्टेप है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, तो आके आए वो बोलेगा, जैसे उसने बोला कि मेरा सर बड़ा भारी रहता है, ऐसे बोला, तो उसकी ये प्रेजेंटिंग उसकी प्रॉब्लम हो गई। अब सर भारी ओवर थिंकिंग से भी हो सकता है, सर भारी जो है कोई न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो चुका है उससे भी हो सकता है, कोई और जो है हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो गया उससे भी हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन ही हमको बताएगी कि भाई हमें किस डायरेक्शन में साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी है। फिर प्रेजेंटिंग अपीयरेंस, तो जब वो हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, मैनरिज्म कैसे हैं, इंट्रैक्शन वो कैसे करता है, उसका इफेक्ट यानी कि जो है इमोशन वाला पार्ट कैसा है, लोगों से कैसे जो है हेल्पफुल है, रिएक्टिव है, अपने आप से अकेले बात किए जा रहा है, ये सब प्रेजेंटिंग अपीयरेंस में आ जाता है।
फिर फोर्थ इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम पहले भी हुई हो और वो ठीक हो गई हो, लेट अस से पीटीएसडी था वो ठीक हो गया, लेकिन अभी जो है फिर से आ गया। अब जो फिर से हुआ इसकी कोई वजह होगी, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया। रिसेंटली कोई उससे मिलता जुलता हादसा हुआ, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया, पहले था वो फिर से हो गया, और पहले जो था वो हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ द पर्सन ऑब्लिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल की सारा जो है उसका डेमोग्राफिक डिटेल वगैरह, कहाँ रहा, किस कल्चर का है, क्या क्या देखा उसकी, इंक्लूडिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी, रेस, एज, कल्चर बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ऑल डेमोग्राफिक डिटेल। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री में दो आस्पेक्ट हैं, एक तो उसकी खुद की कि उसके जो है जितने भी माइलस्टोन्स बचपन में हैं, चलने के, बोलने के, लिखने के, स्कूल जाने के, टाइम से लिए पाए उसने, अचीव किए नहीं किए, और दूसरा उसकी फैमिली में क्या रहा है, और सिबलिंग्स या फर्स्ट कजन्स वगैरह उनका है कि नहीं, वो जेनेटिक से हमको पता चलेगा। फिर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में क्या क्या साइकेटिक डिसऑर्डर रहे, एथनिक एंड रेशियल, रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सारा उसमें आ जाता है। सिबलिंग्स, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, चाइल्डहुड में क्या क्या एक्सपीरियंस है एडोलेसेंट, स्कूल में उसके एकेडमिक जो है क्या अचीवमेंट रहे, या क्या कहाँ तक पढ़ाई करी, किस मीडियम में पढ़ा, फिर फ्रेंड्स के बारे में, पीयर रिलेशनशिप, कौन कौन दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, किस हद तक दोस्ती है, क्या क्या उनसे शेयर करता नहीं करता है, फिर सेक्सुअल हिस्ट्री भी उसकी पता करेंगे, एवरीथिंग इंक्लूडिंग उसका जो ओरिएंटेशन क्या है, सेक्सुअल, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस इफ एनी कब हुआ, सेक्सुअल अब्यूज, एनीथिंग, प्यूबर्टी कब अटेंड करी, डेटिंग करता नहीं करता, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं किया, मैस्टरबेशन, और एवरीथिंग इंक्लूडेड इन सेक्सुअल हिस्ट्री। फिर वर्क हिस्ट्री, कहाँ कहाँ काम किया, किस पोजीशन पर रहा, उसके जॉब कितनी बार चेंज किया, और जॉब में उसके जो है सेंट्रल वर्क एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या, वर्क एसेट मतलब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। फिर मेडिकल हिस्ट्री, बचपन से लेके कब कब बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशंस, कोई उसका सब्सटेंस अब्यूज का है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, सिगरेट, एल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन, तो जो भी हमने ऊपर सारी चीजें इकट्ठी करी उनको एनालाइज करना है, इंटरलिंक करना है, और फिर फॉर्मुलेट करना है कि भाई क्या हमारे हिसाब से डायग्नोसिस है या क्या इश्यू है। ये जो भी हमारा एनालिसिस और फॉर्मुलेशन होगा ये डिपेंड करेगा जो हमारा रेफरल क्वेश्चन है उस पर, तो उस हिसाब से हम एक सेवन्थ ग्रेड लेवल का जो इजी वाला जो लैंग्वेज है। हाँ, अनलेस कि हम किसी टेक्निकल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो अलग बात है, जैसे किसी साइकेट्रिस्ट के लिए हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं वहाँ पर तो टेक्निकल टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी नॉन टेक्निकल आदमी के लिए बना रहे हैं तो नॉन टेक्निकल रखना होगा। नाउ देन कम्स DSM-IV TR का डायग्नोसिस। तो जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि रेफरल क्वेश्चन ये है कि बच्चा जो है उसको स्कूल में ट्रबल है, प्रॉब्लम है, तो अब जो है वो अपने जो है क्लास के दौरान अपनी सीट में नहीं बैठता है, तो अब जो है ऑब्वियसली जो है एक क्वेश्चन ये आता है उसको ADHD है कि नहीं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी तो नहीं है कोई, या कोई कंडक्ट डिसऑर्डर तो नहीं है, है ना, इस तरह से। कोई 68 ईयर ओल्ड फीमेल आई है, वो कहती है कि मुझे चीज़ें भूल जाती हूँ, एनर्जी कम है, कन्फ्यूज रहती हूँ हमेशा, तो हम इस लाइन में चलेंगे, वो डिप्रेस तो नहीं है या डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है उसको। फिर अगर कोई जैसे 35 ईयर ओल्ड मेल आया, वो कह रहा है चेस्ट पेन है, मेरा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है विदाउट एनी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब हार्ट की कोई ट्रबल नहीं है, तो अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है कि कोई कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हुआ हो, कोई रिसेंट हादसा हुआ हो, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी,
हो सकता है, जैसे शादी होने वाली है तो भी होता है कईयों को एंजाइटी हो जाती है ना। अब ये सब जो है हमने किया तो उसकी जो है हमें बताना पड़ेगा क्या रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट का, और अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी भी जो हमें बतानी पड़ेगी उसके लिए कि भाई ये जो है ये चीज़ों की डिसेबिलिटी है, तो वो उसको अगर कहीं से रीइंबर्समेंट या कॉम्पनसेशन लेना उसमें हेल्प करेगा। जैसे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं टू बी स्पेसिफिक, जो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, अगर किसी बच्चे को है तो उसको सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, तो उसको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो भी एक पर्पस हो सकता है। देन डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन साइकोलॉजिकल सेटिंग आर सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू फिजिशियंस मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल पेशेंट अराइव इन फिजिशियंस ऑफिस फॉर मेनी रीजन डिपेंडिंग ऑन द मोटिवेशन फॉर द विजिट। फिजिशियन आइदर फोकस ऑन ए स्पेसिफिक कंप्लेंट प्रेजेंटेड बाई द पेशेंट और मे इवेल्युएट द एंटायर पर्सन इन सर्च ऑफ वॉट इज रॉन्ग। तो अगर वो स्पेसिफिक कंप्लेन लेके आया है तो हम स्पेसिफिक चीज़ ही करेंगे, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक बात ही नहीं बता रहा है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या। तो हाँ, तो ओवरऑल सारा ही कुछ हम चेक करेंगे A to Z। सो वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। तो जो डायग्नोस्टिक बात कर रहा हूँ, डायग्नोस्टिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, तो यहाँ पे तो जो है हम फोकस करते हैं डिजीज़ पे, कि डायग्नोसिस तो डिजीज़ का ही होता है ना। अगर हमें सिर्फ डायग्नोसिस ही करना है तो फिर तो हम डिजीज़ पे ही फोकस करेंगे, फिर तो कोई इशू ही नहीं बाकी चीज़ें चेक करने की। हालांकि जब हम डिजीज़ का भी डायग्नोसिस करते हैं तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं, उस बाकी चीज़ें जो रेलेवेंट है वो हम देखते हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हम पहले बात कर चुके हैं, दो ही हैं, एक तो ICD है और एक DSM है। तो जो ICD हो चाहे DSM हो, इसमें जो इंफॉर्मेशन है जो ली जाती है वो नोमोथेटिक इंफॉर्मेशन है कि भाई हमने स्टैटिस्टिकली देखा कि कितने लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, उसमें से कितने लोगों को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हमने एक कॉमन चीज़ बना दी। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी परफेक्टली जो है उस क्राइटेरिया में मैच करता हो, कि किसी को हो सकता है सिम्टम्स अलग टाइप के आ रहे हों, तो हमें इडियोग्राफिक अप्रोच भी देखनी होगी असेसमेंट के टाइम में। ठीक है, डायग्नोसिस में तो नोमोथेटिक इन्फॉर्मेशन हम चेक करेंगे कि भाई मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम जब असेसमेंट करेंगे तो इडियोग्राफिक भी देखेंगे कि भाई ये एटिपिकल केस भी तो हो सकता है। जैसे डिप्रेशन के केस में वेट लॉस होना नॉर्मल बात है, लेकिन वेट गेन भी तो हो सकता है, एटिपिकल केस है वो। सो ऐसे भी हम देखते हैं। अब जो नॉन डिप्रेस जो नॉर्मल लोग हैं उनमें भी तो कुछ कुछ सिम्टम्स जो है डिप्रेशन के होते हैं, कभी कभी जब दुख है कोई परेशानी है हो सकते हैं थोड़े सिम्टम्स, लेकिन वो सिम्टम्स कैसे अलग होंगे जो डिप्रेस वालों से, हमें ये देखना होगा। जैसे सैडनेस तो किसी में भी हो सकती है, सैडनेस इज नॉट ए डिसऑर्डर, लेकिन जो डिप्रेस इंसान है वो हमेशा ही सैड रहेगा, मोर ऑफन देन नॉट, मोस्ट इन ऑन मोस्ट डेज देन नॉट, लेकिन नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल इंसान में सैडनेस का कोई रीज़न होगा, डिप्रेस वाले में कोई रीज़न स्पेसिफिक नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल लोगों में भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लोगों में कैसे डिफरेंट होंगे एबनॉर्मल लोगों से, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम कंटिन्यू टू इवॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ क्लिनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी। मतलब ये इतने सारे फील्ड हैं जो कंबाइंड होकर जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि DSM और ICD इनको अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हो सकता है कि पहले जो है सोसाइटी इतनी इवॉल्व नहीं हो तो उसमें होमोसेक्सुअल रिलेशंस को जो है एक डिसऑर्डर मानते हो, लेकिन सोसाइटी इवॉल्व हो गई तो सोशली एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है,
तो अब उसको डिसऑर्डर नहीं माने, तो डिपेंड करता है। इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी है कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी में जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर होता है कि क्या था इंसान आदि मानव से यहाँ तक आया, तो जो इवॉल्व हो रहा है तो वो तो आगे भी तो चेंज होगा ना, तो जब आगे भी चेंज होगा तो फिर डिसऑर्डर्स का भी जो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये चारों फील्ड जो है इंटरमिंगल होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सारी जो एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी। देन जो ये मैं ऑलरेडी बता दिया कि अगर ग्रुप नॉर्म्स को हम रिलाई करेंगे तो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, मिस्टेक भी हो सकती है हमसे, क्योंकि नॉर्म्स के हिसाब से हम डायग्नोसिस कर रहे हैं तो एटिपिकल केसेस में मिस्टेक हो सकती है। तो जो नोमोथेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा इडियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन से। जैसे हमने आईक्यू का टेस्ट किया, उसकी आईक्यू लो निकल के आई, तो हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये मेंटली रिटार्डेड है, लेस देन 70 है इसकी आईक्यू, तो ये तो नोमोथेटिक अप्रोच हो गई। लेकिन हमने जब बात करी इंडिविजुअल से तो पता चला कि इसका तो अभी पहले जिंदगी भर हिंदी मीडियम में पढ़ा, टेस्ट था इंग्लिश मीडियम में, इसको समझ में ही नहीं आया कि टेस्ट में करना क्या है, तो ये इडियोग्राफिक अप्रोच हो गई। अगर हम केवल जो है नोमोथेटिक अप्रोच से चलेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें इडियोग्राफिक अप्रोच से। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने जो है आईक्यू का टेस्ट दिया और उसमें उसका रिजल्ट जो है मेंटली रिटार्डेशन वाला आया, हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमने जो है जब डेप्थ में गए तो हमने देखा कि उसने जो है साइकोट्रॉपिक मेडिसिन यूज़ कर रहा है, इसलिए उसका दिमाग जो है इतना चल नहीं रहा है। वो हम जब उसे पूछेंगे तब तो पता चलेगा ना, तो इसीलिए जो है बैलेंस करना जरूरी है नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें टूल्स वगैरह की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं, चाहे DSM के हिसाब से करो डायग्नोसिस, चाहे ICD के हिसाब से, जो स्पेशलाइज मेजर्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं, ये सब टूल जो है डायग्नोसिस और असेसमेंट में यूज कर सके, वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। देन तो अब ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट होता है, स्टार्टिंग में होगा, बीच में होगा, बीच में कई बार भी हो सकता है और एंड में होगा। तो हमको जो है ये भी हो सकता है कई बार लाइफ लॉन्ग कंडीशन कोई हो तो उसमें लाइफ लॉन्ग भी रिपीट करना पड़ जाए, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये तो लाइफ लॉन्ग होते हैं, लेटर से एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो ये तो फिर हमें हमेशा ही करने पड़ेंगे ना थोड़े थोड़े समय के बाद में। तो असेसमेंट इज नॉट वन टाइम मेजर, इट मे बी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। अब इसमें कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आदमी सेल्फ रेफर्ड भी हो सकता है, भाई खुद ही आया है और वो बोला कि मुझे नींद ढंग से नहीं आती है, उसमें स्लीप डिफ़िकल्टी वो रिपोर्ट कर रहा है, और उसकी वजह से जो और जो मेडिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सेकेंडरी हैं, तो फिर उसका भी हमें करना पड़ेगा, भाई स्लीप नहीं आने के क्या रीज़न है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कोई हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है हाई BP हो गया हो, है ना, हाइपोमैनिक हो, मैनिक हो, इट कुड बी एनीथिंग। फिर सेकंड एग्जांपल है कि साइकियाट्रिक इमरजेंसी रूम में एक कोई आदमी एकदम जो है डिलीरियम में या मैनिक स्टेट में आया, तो हमें पता ही नहीं है कि अभी इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो उसके हिसाब से हमें उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ चेक करना पड़ेगा A to Z, और उसके जो है केयर ऑफ जो उसकी केयर है वो बिल्कुल टोटल डिपेंडेंट होगा हेल्थ सिस्टम में, अपनी केयर करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, एक एग्जांपल ये हो गया। तीसरा जो है कोई अपने बच्चे को लेके, या आपने आपको पता है कोई व्यक्ति आपसे मिला, उसने बोला मेरे बच्चे को जो है ये फलानी रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो आप जो है उसको हेल्प करोगे कि भाई फलाने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनसे मिल लो, वहाँ डायग्नोसिस करा लो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट किसी भी तरीके से आ सकता है।
देन डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. क्या डिस्क्राइब कराते हैं? कॉग्निटिव फंक्शनिंग कितनी है, किस लेवल की है, साइको सोशल फंक्शनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशन वगैरह कैसे हैं, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है नहीं है, पीयर ग्रुप वगैरह, एकेडमिक अचीवमेंट, पर्सनैलिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, उसकी कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो ये सब जो है डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में आ जाता है. और इसमें जो उसके फैमिली भी आ जाएंगी कि जो जो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल सेटिंग के हिसाब से होगा, अगर घर में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो घर की सेटिंग के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, डिपेंड करता है. तो अगर जो है इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, तो जो उसका डेवलपमेंटल लेवल है उसके हिसाब से इंटरेक्ट करता है, या उससे छोटे लेवल से या उससे ज़्यादा मेच्योर, ये सब भी आ जाएगा उसमें. तो चाहे हम कोई भी मेथड अपनाएं, हमें अल्टीमेटली जो है ये सब सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी होंगी, क्योंकि आप कैसे डायग्नोसिस कर दोगे किसी भी डिसऑर्डर का अगर उसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग नॉर्मल है तो, है ना? कॉग्निटिव फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ तो इम्पेयरमेंट आता ही आता है ना, चाहे साइको सोशल फंक्शनिंग में हो चाहे एकेडमिक अचीवमेंट, कहीं ना कहीं तो आता ही है. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो डिसऑर्डर है ही नहीं. तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट है, जो ऊपर हमने बात करी कि साइको सोशल, कॉग्निटिव, एकेडमिक, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, वो एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट की इशू क्या है, ये ओवरलैपिंग से होते हैं. इनको अलग अलग करके देखना मुश्किल है कि भाई हम बिल्कुल सेपरेट करके देखें, ऐसा नहीं हो सकता है. इसमें भी ओवरलैपिंग होती है. तो इसमें डुअल पर्पस होता है कि डिस्क्रिप्टिव माइट असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस माइट असिस्ट इन डिस्क्रिप्टिव हो सकता. बाकी ये मेथड तुमने बात कर ही ली है. देन कम्स प्रिडिक्शन असेसमेंट. ये मैं बता चुका हूँ कि आगे चल के जो है उसके साथ क्या होने वाला है, या कोई लाइफ, जैसे कि इनको आगे कोई फिर से ऐसा सदमा हुआ तो क्या हो सकता है ना, कोई ट्रोमेटिक सिचुएशन आई तो ये प्रिडिक्टिव वगैरह हो गया. तो इवन फॉरेंसिक में भी जो है प्रिडिक्टिव होता है, जैसे कि कोई सीरियल मर्डर्स हुए हैं तो उसके बेसिस पे वो एक प्रोफाइल बनाते हैं सीरियल किलर का, कि भाई वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा टाइप का होगा, ये करता होगा, ये पर्सनैलिटी होगी, या ये बचपन में इश्यूज रहे होंगे, वॉट एवर डैट में भी. तो ऑक्यूपेशनल सेटिंग में भी करते हैं प्रिडिक्टिव कि ये व्यक्ति जो हम रिक्रूट कर रहे हैं फ्यूचर में सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा. और आउट पेशेंट सेटिंग में भी, जो कोई आउट पेशेंट है तो ये आगे चल के इम्प्रूव करता जाएगा, इसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी जो है डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको भर्ती करना ठीक है, ये सब प्रिडिक्टिव हो गया. या इवन क्लिनिकल सेटिंग में भी कोई भर्ती है और उसका हम असेसमेंट रेगुलर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट आता जा रहा, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा, ये सब प्रिडिक्टिव में आता है. सो अब जो हम एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी जो है प्रिडिक्शन की किस पे डिपेंड करेगी? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जो भी डाटा है प्रिडिक्टर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, और जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स हैं वो जितनी एक्यूरेटली हमको पता है उतनी ज़्यादा हमको पता है. कि तो व्हेन मोर डिफिकल्ट प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर बिहेवियर रिक्वेस्टेड और नेसेसरी, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस मे बी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन. जैसे अगर जो है हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की कोई डिवोर्स हो रहा है, बच्चों की कस्टडी के लिए हमारे पास में इवेल्यूएशन आया है पेरेंट्स का, तो अब इसमें तो बच्चों का भविष्य भी जुड़ गया है ना. खाली हम एक सिंपल इवेल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे चल के बच्चों का जो है भविष्य किसके साथ में ज़्यादा सुरक्षित है. लेट अस से फादर पैसे वाला तो है लेकिन वो वुमेनाइजर है, जो है अल्कोहलिक है ना, जो सेक्सुअल ऑफेंडर है, चाइल्ड अब्यूज़र है, तो बच्चे वहाँ पे तो सेफ नहीं रहेंगे. मदर चाहे कम पैसों वाली है लेकिन बच्चों का फ्यूचर तो वहाँ पे बेटर होगा. तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको देखने होते हैं अपने असेसमेंट के, कि हम जो असेसमेंट करेंगे उसके बेसिस पे क्या डिसीजन लिए जाएंगे
उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर भी हमारा असेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव में ये भी है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी वाला है या सुसाइडल आइडिएशन वाला है, तो फ्यूचर में क्या चांसेस हैं कि उसके वो सुसाइड कर लेगा। तो अब इसमें जो है हमेशा ये देखा गया है कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कभी पॉसिबल नहीं होता, इन मोस्ट ऑफ द केसेस गलत ही प्रिडिक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। कोई प्रिडिक्ट करेगा कि नहीं नहीं ये कर लेगा तो फिर वो देखते हैं कि उसने नहीं किया, या उल्टा कहेंगे कि हाँ हाँ ये पक्का करेगा और देखते हैं कि उसने नहीं किया। सो इसमें सुसाइड केस में प्रिडिक्शन का नहीं हो सकता है, करंट स्टेटस के बेसिस पे ही हम कह सकते हैं कि अभी जिस स्टेटस में हमारे पास में आया है प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये बस इतना ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आज से 6 महीने बाद 1 साल बाद काम नहीं कर सकते, ये बात है। फिर जो हम जो है रिस्क असेसमेंट भी करते हैं, मतलब जो हमारे पास इंडिविजुअल आया है जो भी इश्यूज हैं, जैसे लेटर से कि उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, लेकिन हम रिस्क असेसमेंट करेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि उसमें जो है इसको स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो स्ट्रेस रहेगा तो ये रिस्क है ना, तो इस या उसका कोई बहुत डेंजरस जो है उसमें है, तो हमेशा जो है डेंजर थ्रेट ऑफ लाइफ है, तो कभी भी डिप्रेशन लौट के आ सकता है। फिर कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एज ज़्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज़्यादा है, एज कम है तो डिमेंशिया का खतरा कम है, या कोई पर्टिकुलर जीन है, जैसे हंटिंगटन कोरिया में अगर वो पर्टिकुलर जीन है, अभी सिम्टम नहीं भी हैं, अगर वो पर्टिकुलर जीन है तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो, कि आगे चल के हो सकता है, होगा गारंटी नहीं है, हो सकता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। हाँ, अगर एनवायरमेंट उसको वैसा मिल गया जीन को फेवरेबल, तो फिर वो एक्सप्रेस हो जाएगा जीन, तो क्योंकि हंटिंगटन कोरिया में जीन होना के गारंटी नहीं है कि हंटिंगटन कोरिया हो जाएगा, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ मतलब जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स एक्स है या एक्स वाई है, उस पर जेंडर डिसाइड होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है, बाकी के जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। सो उन ऑटोसोम्स में एक पेरेंट से आएगा, दोनों पेरेंट्स से एक एक आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, तो मदर फादर में से किसी से भी एक अगर आ गया वो ऑटोसोम हंटिंगटन्स कोरिया वाला और वो डोमिनेंट है, जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, रिसेसिव है तब तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डोमिनेंट है और एक भी है तो भी हंटिंगटन्स कोरिया हो जाएगा, तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स वगैरह हो गया। फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं असेसमेंट में, हम ये भी देखते हैं कि जैसे इसका सोशल सपोर्ट बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्टिव फैक्टर है, या जो हाईएस्ट क्वालिटी की हेल्थ केयर है ये अफोर्ड कर सकता है, ये भी जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर है, या इसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो डिपेंड करता है कि वो, या उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, या उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी है, रेगुलर ईटिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइज, तो ये सब प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं कि जीन तो हैं लेकिन ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि ये सब काम कर रहा है। ठीक है, गारंटी नहीं है, वी कैन ओनली प्रिडिक्ट। और इसी तरह से जो है अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है, अल्कोहल यूज़ करने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में वो हम उनको नहीं दे पाए क्योंकि जो है वो ड्रग्स जो है इंटरेक्ट कर सकती हैं अल्कोहल के साथ में, या एक ये भी रीज़न हो सकता है जो जिनमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है तो फिर वो ट्रीटमेंट को रेगुलर नहीं लेंगे, क्योंकि आपको जो है रेगुलर होना पड़ेगा ना ट्रीटमेंट के लिए, जो भी टाइम दिया है दवा खाने का वो खाना पड़ेगा, सो वो अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमने ये असेसमेंट में देखा कि इसको इम्पल्स कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो जैसे कि हमने जब बात करी थी जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर की, तो उसमें जो इनहेलेंट यूज़ करने वाले जो होते हैं उनको एंटी एंजियोलाइटिक मेडिसिन नहीं दी जाती हैं,
एंग्जाइटी होने पर भी उनको एंटी एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन नहीं दी जाती हैं जो इनहेलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो उस ये भी हमारे असेसमेंट में आना चाहिए भाई, ऐसा ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, ये भी एक है, एक वर्ड है इसमें, देखो फर्स्ट जो मैजेंटा कलर में हाईलाइटेड है, इसमें फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई मान लो ऑफेंस किया है और वो जेल में है, अरेस्ट हुआ है, तो क्या चांसेस हैं कि वो छूटने के बाद में दोबारा से वो करेगा या नहीं करेगा। तो जो लोग करते हैं बार बार जेल में अंदर बाहर होते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि देयर आर चांसेस ऑफ रेसिडिविज्म। तो वो भी हम उसकी अपने जो असेसमेंट करेंगे, अगर कोर्ट ने कहा है तो वो भी जो है हमारे असेसमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज देयर देन नेक्स्ट हमारा आता है दिस वन। अब ऑक्यूपेशनल सेटिंग में क्या क्या होगा, ऑक्यूपेशनल सेटिंग में जो हमने बताया ऑक्यूपेशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसका बर्नआउट तो नहीं हो जाएगा कि भाई स्टार्टिंग इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि स्टार्टिंग में तो अच्छा काम करेगा पर बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये नहीं झेल पाएगा। फिर अगर हम जो कोई कॉर्पोरेट सेटिंग में चेंजेस ला रहे हैं, तो उन चेंजेस का कोई स्पेसिफाइड जो भी चेंजेस हैं उनका जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें ऑक्यूपेशनल सेटिंग में हो सकती हैं। सो अब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसमें जो है कुछ एक जनरल बातें हैं, वो ये हैं कि हमें व्हाट व्हेन हाउ वेयर व्हाई ये सब जो है हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट जो है क्या असेसमेंट का क्या गोल है असेसमेंट का। तो और रिलेटिव टू अदर लाइफ इवेंट्स जो है वो असेसमेंट हमें करने हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन देनी है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसका जो है लाइफस्टाइल क्या है, अगर लाइफस्टाइल से मैच करती हुई मेडिसिन नहीं है तो वो ट्रीटमेंट चल ही नहीं पाएगा, या तो उसकी पहले लाइफस्टाइल को चेंज करो तब वो कर पाएगा। तो जैसे कि वो कोई ड्राइवर है तो ड्राइविंग करता है, तो उसको अगर हम साइकोट्रॉपिक मेडिसिन देंगे तो एक्सीडेंट का खतरा और ज़्यादा हो जाएगा। फिर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है क्लाइंट की क्या है, और किसको इवैल्यूएट करना है, बच्चे को करना है, टीनेजर को करना है, एडल्ट को करना है, ओल्ड एज वाले को करना है, कहाँ करना है इवैल्यूएट, क्लिनिकल सेटिंग में करना है, घर में करना है, स्कूल में करना है, जो असेसमेंट वो क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की, कभी कभी होता है असेसमेंट ज़रूरी है ही नहीं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले अपने बच्चे को लेके आ गए, करो इसका असेसमेंट, आईक्यू क्या है, यहाँ तो ज़रूरी है ही नहीं, है ना। सो व्हाई इट इज़ नेसेसरी ये भी जानना ज़रूरी है। फिर ये जो कल हमने एथिकल प्रिंसिपल्स में बात की थी कि जो इन्फॉर्मेशन को हमारी यूज़ कैसे किया जाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो असेसमेंट है इसके बेसिस पे इसको जेल हो जाएगी या छूट जाएगा, या हमारे असेसमेंट के बेसिस पे इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या रखा जाएगा, या हमारे असेसमेंट के बेसिस पे इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए, तभी हमारा जो असेसमेंट हम करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट हमको फिर पता होगा तो असेसमेंट का तभी बेटर होगा। और जो वैसे तो हम सभी चीज़ें उसके असेस करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस, लाइक्स डिसलाइक्स, इन पे भी बराबर का हमें ध्यान देना होगा इंडिविजुअल को जब हम असेस करते हैं, ये भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाती है उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिडिक्शन में। कॉग्निटिव असेसमेंट तो होना ही होना है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। तो ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, स्कीमा, लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, ये सब आ जाता है कॉग्निटिव में। डिपेंड करेगा हमें क्या करना है, क्यों करना है उस पर। तो इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग है वो एक तो हम उसकी प्रीवियस फंक्शनिंग से मिलाते हैं, पहले कैसा था और अब कैसा है, तो वो हमको बताएगा दो बातें कि डिसऑर्डर है या नहीं है, दूसरी बात अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो पहले से इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, और फ्यूचर की क्या क्या जो है उसके
हो सकती है फंक्शनिंग, और ये सब हम कंपेयर किससे करेंगे, जो नॉर्मल बिहेवियर उससे कंपेयर करेंगे। नॉर्मल बिहेवियर से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि अभी डिसऑर्डर है या नहीं है। और फिर हमने कंपेयर किया दोबारा से, तो पहले से वाले से पता चला कि इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, और नॉर्मल से कंपेयर किया तो पता चला कि नॉर्मल होने में कितना दूर रह गया या हो ही गया है। तो इस तरह से है। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जो फुटबॉल हाई स्कूल में फुटबॉल सेशन होने से पहले बच्चों का कॉग्निटिव असेसमेंट किया गया, और इंजरी कोई मान लो बच्चे को हो गई फुटबॉल खेलते हैं, तो इंजरी के बाद में फिर कॉग्निटिव असेसमेंट किया, इंजरी मतलब फिजिकल इंजरी, चोट लग गई। तो अब जो बेस लाइन हमारे पास में पहले का था जब कुछ भी नहीं था और अब का है, तो हम देखेंगे कि हाँ कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो नहीं आ गया उस इंजरी का, वो हमको पता लग जाएगा, भाई डिप्रेस हो गया है या एंग्शियस हो गया है या गैड हो गया है, वॉट एवर दैट मीन, ये हमें पता चल जाएगा। देन कम्स अब कॉग्निटिव असेसमेंट ने या हम लैंग्वेज को भी बताया कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो टाइम से अचीव किए कि नहीं किए। वैसे नॉर्मली एक साल का बच्चा एक आधा वर्ड बोलने लग जाता है, दो साल का बच्चा दो तीन वर्ड मिला के बोलने लग जाता है, ये सब जो है उसका टाइम से हो रहा है नहीं हुआ है। हाँ, तो ये भी हमें देखना होगा कि जो उसमें जो बिहेवियर चेंजेस हुए हैं वो सडन हुए हैं कि ग्रेजुअल हुए हैं। अगर सडन हुए हैं तो वो एक्यूट डिसऑर्डर्स में आ जाता है, और अगर ग्रेजुअल हुए तो क्रॉनिक में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो कॉग्निटिव असेसमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। पर्सनैलिटी वाला भी जो है, पर्सनैलिटी तो स्टेबल एंड इंजूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हमको बहुत कुछ बताती है कि हमें क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जो टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी में फ़र्क है, तो जो टेम्परामेंट है वो तो इनबॉर्न होता है, जब पैदा होते ही आदमी जो है बायोलॉजिकली प्री डिटरमिंड होता है। जैसे कोई इंसान होता है वो शुरू से हर काम को एकदम सलीके से सिस्टमेटिक तरीके से करता है, कोई कितना भी समझा लो पैदा होते ही शुरू से ही वो हर चीज़ को उठपटांग तरीके से रखता है। सो ये ऑर्डरलीनेस का या पंक्चुअलिटी का ट्रेट ये जो है ये ट्रेट हुआ, हाँ टेम्परामेंट हुआ, सॉरी टेम्परामेंट हुआ, ठीक है। और पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल एंड एंड्यूरिंग फैक्टर है कि भाई जो है ये एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, कि जो है न्यूरोटिक है, कि कंसेंशियस है, कि ओपननेस है इसमें। सो व्हेन वी कंबाइंड वेरी मेनी सिमिलर ट्रेड्स देन इट बिकम्स पर्सनैलिटी, और टेम्परामेंट जो है लिमिटेड चीज़ों में हमें पता चलता है कि एक स्टाइल जो होता है इंडिविजुअल का, जैसे हमने बोला कि मेटिकुलस है, तो मेटिकुलस एक स्टाइल हुआ, ये बहुत जो है आलसी है, हर चीज़ को लेट कर देता है, तो हर चीज़ को लेट करना जो उसका टेम्परामेंट हुआ, कभी मतलब उसको टाइम की कदर नहीं पता है, इस तरह से हुआ। अब जो ट्रेट है ये कोई पर्टिकुलर एक सर्कमस्टांस में वो हर बार इंडिविजुअल जब सेम तरीके से बिहेव करेगा वो ट्रेट हो गया। जैसे जब भी वो स्कूल में आएगा तो टाइम से आएगा, तो ये उसका पंक्चुअलिटी उसका ट्रेट हो गया। ठीक है, सो इसमें बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया, ट्रेट रेफर्स टू हाउ पीपल आर, इंसान कैसा है ये ट्रेट है, बिहेवियर डिस्क्राइब व्हाट पीपल डू, तो ये दोनों सेम हो हमेशा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, मिसमैच भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई इंसान हमेशा लेट लतीफ है, लेकिन उसको मालूम है आज लेट हुआ तो जॉब जो है इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाऊंगा, उस दिन टाइम पे आ जाएगा, तो ट्रेड तो उसका जो है लेट लतीफ वाला है, लेकिन आज बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो है आइसोलेटेड बिहेवियर से हम ट्रेड को नहीं पता कर सकते। जब वो रिपीटेडली हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे अंडर सेम सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, तब हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रेट है। जैसे हम कहें कि कोई जैसे कि मुझे किसी इंसान को पता है कि उसको मुझसे फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे जो है खूब जेनरसली चीज़ें दे रहा है, ठीक है, तो केवल मुझे दे रहा है और बार बार दे रहा है, ऐसे हम ये कहेंगे ये जेनरस बिहेवियर जेनरस ट्रेट है इसका, वो गलत हो जाएगा।
हम देखेंगे जिससे उसको नहीं भी फायदा है, जिसको नहीं भी जानता है, या अपने से छोटों को या जो उस पर डिपेंडेंट हैं उनको साथ कैसा बिहेव करता है, हम देखें। हाँ, हर जगह ये सबको देता ही देता है, अब हम कहेंगे हाँ ये इसमें जेनरस है ये ट्रीटमेंट। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मोस्टली सेम होती है, लेकिन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। आदमी दिखावे के लिए भी कई बार बिहेवियर करता है, मोस्टली पीपल तो दिखावे के लिए ही करते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है। तो अब जैसे एक एग्जांपल ये देता हूँ कि हमें अपने किसी फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब करना है, तो हम उसको कहेंगे वो बहुत फनी है, या लॉयल है, या काइंड एंड कंपैशनेट है, ट्रस्ट वर्दी है, सोशेबल। तो ये सब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? हमने रिपीटेडली उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में देखा, तब हम कह रहे हैं। तो ये ट्रेट्स तब पता चलते हैं हमें, ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस वी सी द सेम बिहेवियर, देन वी से यस ये ट्रेट है। सो बिहेवियर और ट्रेट में फर्क समझ में आ गया ना? फिर ये हो गया, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया बिहेवियर असेसमेंट, ये भी हमने, हाँ ये भी एक नई चीज़ है ये, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ बट आई स्टिल रिपीट, कि अगर हम स्ट्रिक्टेस्ट सेंस की बात करें, बिल्कुल प्योर सेंस में, तो बिहेवियर का मतलब जो है जो एक्सटर्नल चीज़ें जो हमको दिखाई दे रही हैं, जो ओवर्ट बिहेवियर है वही सिर्फ बिहेवियर होता है। लेकिन कहीं कहीं जो है थॉट को भी बिहेवियर में काउंट किया जाता है, ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट, कोवर्ट में थॉट आ जाते हैं। तो वो जो है इसलिए आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि जो थॉट्स हैं वो जो है कोवर्ट बिहेवियर है, अंदर का इंटरनल बिहेवियर है, बट अगर हम उसकी स्ट्रिक्टली बात करें बिहेवियरिज्म की, तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। पर अब ये बात फैक्ट है कि थॉट्स को बिहेवियर से हम अलग नहीं कर सकते हैं, कि अगर हमारे थॉट्स कोई पर्टिकुलर रिपीट हो रहे हैं तो बिहेवियर वैसा हो जाता है, ये एक फैक्ट बात है। बट बिहेवियरिज्म में हम कहेंगे ये कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है, ये मिक्स हो जाती है अगर हम ट्रूली बात करें तो। ये हो गया, यस वी आर डन विद द यूनिट टुडे, तो शैल आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? ओके।